वो अकेली नहीं आगे बढ़ती, वो अपनी पूरी नस्ल को आगे लेकर जाती है। तो इसीलिए जितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप और हम मिलकर लड़कियों की और बच्चों की तालीम पर लगाएंगे, आगे हमारा कल उतना ही सुनहरा होगा। हम प्रधान जी हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए हर वो सहूलियत मुहैया कराएं जिससे उनके आगे बढ़ने का, तालीम में आगे बढ़ने का रास्ता आसान हो सके। और मैं पूरी कोशिश करूंगी, हमारे बुजुर्ग डॉक्टर जाहिद साहब ने बहुत सारी बातें करी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ईमानदारी के साथ मैं आप सबके लिए ये लड़ाई लड़ूं ताकि हर गांव में और खासकर आपके गांव में उच्च से उच्च तालीम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। बहुत से विकास के कार्य आपके गांव में हो रहे हैं, देखकर बहुत खुशी होती है कि गांव तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। दो पार्क बन चुके हैं, तीसरा बनने जा रहा है, एक लाइब्रेरी बनने जा रही है। तो इस सब के लिए मैं प्रधान जी को बधाई देना चाहती हूँ और खास तौर पर इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि कोई भी विकास शिक्षा के बिना अधूरा है। तो जो ये कार्यक्रम रखा गया है बच्चों के मनोबल को बढ़ाने का, उनकी हौसला अफजाई करने का, ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। और मुझे उम्मीद है कि हर साल बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और ये कार्यक्रम और बड़ा होता जाएगा। हमारे बीच में हमारे मेरे बहुत ही प्रिय भाई मनीष वकील साहब हैं, जिन्होंने तीन, ये देखिए ये शिक्षा की ही बात है, उच्च तालीम उनके पास है कि उन्होंने अपने वक्त का इस्तेमाल गांव के लिए तीन मांग रखने के लिए किया, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो उनकी मांगे हैं, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर की एक उन्होंने बात रखी, पशु चिकित्सालय की बात रखी और टेस्ट स्थल, तो तीनों ही मांगों पर हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरे हों। और जो हमारे यहाँ पर टीचर की कमी है, ये बात मैं कहना चाहती हूँ डॉक्टर साहब को कि ये यहाँ पर ही नहीं, पूरे प्रदेश में ये कमी है। मैंने सदन में भी शिक्षा मित्रों के लिए आवाज उठाई थी कि उनका समायोजन हो जाएगा तो ये कमी, हम इस कमी की भरपाई कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि सरकार ऐसी है तो यहाँ पर ये मौका भी लेना चाहती हूँ कि आप लोग कुछ जो ऐसी अड़चनें हैं जो आप और हम जिनका निस्तारण नहीं कर सकते, उनका निस्तारण सिर्फ एक ऐसी सरकार कर सकती है जो आपके, हमारे और हमारे बच्चों के बारे में सोचे। तो आने वाले 27 पर भी आप लोग ध्यान दें, क्योंकि आपका हमारा विकास राजनीति के रास्ते से ही होकर गुजरता है। तो जरूरत है हम सबको जागरूक होने की और कोशिश करने की कि आने वाली 27 में ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो अपने आंखें मूंदे बैठी है, इसको बदलने का भी काम करें। ये भी मेरी आप सबसे अपील है। हमारी सरकार बनेगी, हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार इंशाल्लाह बनेगी। और फिर जो भी आपके काम है, जो 10 साल से रुके हुए काम है, वो तब हम बढ़ चढ़कर उन्हें हल कराने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरा प्रयास है, जिसके लिए आपने मुझे चुना है, मैं अपने उस फर्ज में आपको सबसे आगे दिखूंगी, पीछे नहीं दिखूंगी। तो आप सभी से मेरी अपील है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, इन्हें शिक्षा की राह पर चलाएं और अपने गांव की तरक्की के लिए इसी तरह एकजुट होकर आप लोग सभी काम करें। और आप सभी से दुआओं की दरकार से बहुत बहुत शुक्रिया।